हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु के पावन नाम में आप सबो को मेरा जय सो। आज 4 सितंबर 2022 वर्ष का 23वां रविवार। आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ और सुसमाचार में हम बुलाहट के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं। यीशु जिन्हें बुलाते हैं वे उन्हें अपना बनाते हैं। यीशु के बनने का अर्थ है सर्वस्व त्याग देना, अपने प्रियजनों को, प्रिय वस्तुओं को, धन संपत्ति यानी कि सब कुछ को त्याग देना। इस पर पेत्रुस ने यीशु से पूछा, हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आए हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने ईश्वर के राज्य के पत्नी, भाई, माता पिता, बाल बच्चों को छोड़ दिया और इस लोक में कहीं अधिक और परलोक में अनंत जीवन न पाए। संत लूकास अध्याय 18 पद संख्या 28 से 30। शर्त कठिन है परंतु असंभव नहीं। बुलाहट स्वीकार करने का मतलब है ईश्वर की इच्छा का पालन करना, जैसा कि मां मरियम ने अपने को समर्पित करते हुए कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरी जो इच्छा है वह मुझ में पूरा हो। यह तब संभव है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति और विश्वास हो। प्रेरितों ने निडरता से, निर्भयता और पूरे उत्साह के साथ घूम घूम कर लोगों को अनंत जीवन का संदेश सुनाया। प्रभु के शिष्य और धर्म संगी भाई बहनों का जीवन त्यागमय, प्रार्थनामय, प्रेममय एवं आदर्शमय हो, जिससे इनके संपर्क में आने वालों को ईश्वरीय जीवन जीने की प्रेरणा मिले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने सुना है कि संत पौलुस के संरक्षण में आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाकर फिलोमान का दास अनेनियस का जीवन एक सच्चे और ईमानदार विश्वासी सेवक के रूप में बदल गया। आज भी इन कामों को करने के लिए और जारी रखने के लिए हमको युवक युवतियों की जरूरत है, क्योंकि प्रभु के कार्य को संसार के कोने कोने में फैलाने के लिए हमें ईमानदार, निष्ठावान और सच्चे व्यक्तियों की जरूरत है, जो अपना क्रूस उठाकर यीशु का अनुकरण करे और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उस दाखबारी में काम करने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, फसल तो तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उसकी दाखबारी में काम करने के लिए अधिक से अधिक युवक युवतियों को भेजे और ईश्वर का राज्य कोने कोने में फैल जाए। इस कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।